Okay, good morning friends. Today we are going to start this chapter of class 4 English, Nasruddin's Aim. Let us see what is given in the chapter. We will read this chapter and understand the meaning of this chapter. So, आइए जरा पढ़ते हैं Nasruddin's Aim. One day, एक दिन नसरुद्दीन वॉज चैटिंग विद हिज फ्रेंड्स. नसरुद्दीन एक दिन क्या कर रहा था, अपने फ्रेंड्स के साथ बातें कर रहा था. बच्चों चैटिंग का मतलब होता है बातें करना. ही बिगिन टू बोस्ट. बिगिन टू बोस्ट का मतलब, बोस्ट का मतलब होता है बेटा गप्पे मारना, अपने बारे में बड़ी बड़ी गप्पे मारना. नो वन कैन मैच माई स्किल्स इन आर्चरी. आर्चरी का मतलब होता है तीरंदाजी, जिसमें एक धनुष होता है और बाण होता है, ठीक है, उससे हम निशाना लगाते हैं. आई स्ट्रिंग द बो, टेक एन एम एंड शूट एन एरो. बो मतलब होता है बेटा धनुष, एंड एम मतलब अपना टारगेट लेना, और एरो मतलब सबको पता है क्या होता है, बाण, ठीक है. तो वो बोलता है मैं तीरंदाजी में बहुत अच्छा निशाना लगाता हूं. वूश, द एरो इज श्योर टू हिट बैंग ऑन द टारगेट. जो मेरा एरो होता है वो हमेशा टारगेट को क्या करता है, हिट करता है. इसको बोलते हैं बेटा बो. ये होती है, ये इस धागे को बोलते हैं स्ट्रिंग, एंड जो एरो होता है उसको एरो ही बोलते हैं. हियरिंग दिस, ये सुनते हुए वन ऑफ हिज फ्रेंड्स इमीडिएटली ब्रॉट अ बो एंड सम एरोज. जैसे ही उसके एक फ्रेंड ने ये सुना तो उसका दोस्त क्या लेके आया तुरंत ही, ब्रॉट अ बो. बो मतलब मैंने आपको बताया था ये धनुष लेके आया, एंड सम एरो और कुछ एरो लेके आया. एरो ये होते हैं, ठीक है. गिविंग दैम टू नसरुद्दीन, और उसने क्या किया, उनको नसरुद्दीन को दिया. ही सेड हियर नसरुद्दीन टेक दिस बो एंड एरो. वो बोलता है, उसका फ्रेंड बोलता है नसरुद्दीन से कि ये आप बो लीजिए और ये कुछ एरो हैं, और अपना जो आर्चरी का आपका जो बहुत अच्छा जो आप मारते हैं तीर शॉट लेते हैं एम का, वो हमें दिखाइए. देन पॉइंटिंग टुवर्ड्स द टारगेट ही सेड, और टारगेट को देखते हुए उसका फ्रेंड कहता है एम एट दैट टारगेट एंड शूट एन एरो. वो बोलता है उसको एम को टारगेट लेते हुए उस एरो को शूट करिए, उस टारगेट पर मारिए. टारगेट क्या होता है बच्चों, मैं आपको दिखा देता हूं. इसको बोलते हैं टारगेट, ये हमारा होता है टारगेट, ठीक है. और यहां पर हमें इसमें बीच में एरो मारना होता है, ये है हमारा एरो, ठीक है. सब बच्चों को अब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा एरो क्या होता है, टारगेट क्या होता है. नसरुद्दीन हेल्ड द बो इन हिज हैंड. नसरुद्दीन ने क्या किया, बो मतलब धनुष को एक हाथ में पकड़ा, स्ट्रंग इट, स्ट्रंग मतलब उसकी रस्सी को खींचा, एम्ड एट द टारगेट, और एम लिया टारगेट का और शॉट एन एरो, और एरो को छोड़ा. द एरो डिंट हिट द टारगेट, और जो एरो था वो टारगेट को हिट नहीं करता है. इनस्टेड, बजाय इसके इट फेल डाउन समवेयर इन द मिडिल, और वो बीच में ही कहीं गिर जाता है. हिज फ्रेंड स्टार्टेड लाफिंग, और जो उसके फ्रेंड्स थे ये देख के हंसने लगते हैं. दे सेड, वो कहते हैं हे नसरुद्दीन इज दिस योर बेस्ट एम, क्या ये तुम्हारा एक बेस्ट एम है. नसरुद्दीन क्या बोलता है फिर, ओ नो, नहीं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं. Said Nasruddin. Nasruddin बोलता है defending himself, अपने आप को बचाते हुए. This wasn't my aim. ये मेरा aim नहीं है. It was Azad aims. वो ये अपनी जो गलती होती है वो किस पर डाल देता है, आजाद पर डाल देता है. बोलता है ये तो आजाद का aim है, आजाद ऐसे मारता है निशाना, मैं थोड़ी ना ऐसे मारता हूँ, मैं तो ये दिखा रहा था कि आजाद कैसे मारता है. I just showed how the Azad shoots an arrow. आजाद कैसे शूट करता है एरो, मैं तो ये दिखा रहा था.
सेइंग दिस नसरुद्दीन पिक्ड अप अनदर एरो। ये कहते हुए नसरुद्दीन क्या करता है, एक दूसरा एरो लेता है, एक दूसरा एरो उठाता है। वंस अगेन ही स्ट्रंग द बो, और दोबारा से वही रस्सी खींचता है जो धनुष की रस्सी होती है, एम्ड लेता है, एम करता है टारगेट को एंड शॉट द एरो, एरो को मारता। इस टाइम क्या होता है बच्चों, दिस टाइम द एरो फेल अ लिटिल फर्दर। इस टाइम जो उसका तीर था वो थोड़ा दूर जाके गिरता है, देन वेयर इट इज हैड फॉलन बिफोर, जहां वो पहले गिरा था उससे थोड़ा सा दूर जाके गिर जाता है, मगर इस बार भी वो टारगेट को हिट नहीं कर पाता है। बट इट सर्टेनली डिंट हिट द टारगेट, और वो टारगेट को हिट नहीं कर पाता है। दे आस्क नसरुद्दीन, फिर उसके फ्रेंड्स पूछते हैं, एंड दिस मस्ट बी हाउ यू शूट एन एरो, इस तरीके से तुम एरो को शूट करते हो? तो नसरुद्दीन क्या कहता है, ऑफ कोर्स नॉट, आर्ग्यूड नसरुद्दीन, बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं बोलता है नसरुद्दीन। फिर अपने आप को बचाते हुए बोलता है, इवन दिस एम वॉज नॉट माइन, ये भी मेरा एम नहीं था, इट वॉज चीफ गार्ड्स एम। ये किसका एम था, चीफ गार्ड्स का एम था। नाउ समबडी रिमार्क्ड वेल, नाउ हुज नेक्स्ट ऑन द लिस्ट, अब कोई उसको बोलता है, अच्छा अब कौन है आपकी लिस्ट में नेक्स्ट नंबर पर, तो सब अब सबको पता चल जाता है कि जो नशरुद्दीन था वो बस क्या कर रहा था, गप्पे मार रहा था, और उसको कोई भी आर्चरी या तीरंदाजी का एक्सपीरियंस नहीं था, ना उसको आता है। हियरिंग दिस ऑल द फ्रेंड्स बस्ट आउट लाफिंग, और ये सुनते हुए सारे ही उसके फ्रेंड्स क्या करते हैं, उसके ऊपर हंसने लगते हैं। नसरुद्दीन डिडंट से अ वर्ड, और नसरुद्दीन एक वर्ड भी नहीं कह पाता है। ही क्वाइटली पिक्ड अप ए वन मोर एरो, और वो चुपचाप से क्या करता है, एक और एरो उठाता है, ठीक है, और यहाँ पर फंसाता है, और इस रस्सी को खींचता है और वो मारता है। एंड अगेन एंड दिस टाइम नसरुद्दीन वॉज रियली लकी। और इस बार क्या होता है बेटा, थर्ड टाइम में क्या होता है कि नसरुद्दीन का लक उसका साथ देता है, और द एरो हिट दी टारगेट, यहाँ पर जो टारगेट होता है सीधा एरो उसमें जाके हिट करता है, तो द एरो बैंग ऑन दी टारगेट। ये देखो बच्चों, यहाँ पर टारगेट सीधा हिट किया है, ठीक है। इसके बाद एवरीबडी स्टेयर्ड, स्टेयर्ड मतलब होता है देखना घूर के, एवरीबडी स्टेयर्ड एट नसरुद्दीन, देयर माउथ अ गैप इन अमेजमेंट, और सबका मुंह क्या हो जाता है, एकदम आश्चर्यचकित में रह जाते हैं, अरे एकदम से ये क्या हो गया। बिफोर एनी वन कुड से एनीथिंग, कोई भी कुछ कह पाता, नसरुद्दीन से ट्रिम्फेंटली, ट्रिम्फेंटली मतलब एकदम विजयी विजेता की तरह, ट्रिम्फेंटली से, डिड यू सी दैट, क्या ये तुमने देखा, इट वॉज माई एम, ये क्या है, मेरा एम है। अब आइए बच्चों हम देखते हैं न्यू वर्ड्स। चैटिंग मतलब क्या होता है, बातें करना। आर्चरी मतलब होता है तीरंदाजी। स्ट्रिंग मतलब होता है जो धनुष में इस तरीके से जो धागा लगा हुआ होता है इसको बोलते हैं स्ट्रिंग। बैंग मतलब होता है जो सीधे टारगेट में हिट करता है। टारगेट मतलब होता है निशाना। डिफेंडिंग मतलब होता है अपने आप को बचाना किसी चीज से, डिफेंड करना। अमेजमेंट का मतलब होता है आश्चर्यचकित हो जाना, और ट्रिम्फेंटली का मतलब होता है विजय होना, किसी चीज में जीत हासिल करना।